गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, उसका अगला टॉपिक देखते हैं। और हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो समझते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखिए, इससे पहले हम लोग बहुत तरीके का फोर्स देख चुके थे, जैसे इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो उन दोनों केस में हमें क्या दिखाई पड़ता था, हमें ये दिखाई पड़ता था कि जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था तो वहाँ पर एक फोर्स लगता था, और वो था इलेक्ट्रिकल फोर्स। और जहाँ हम लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाई पड़ता था तो वहाँ पे भी एक फोर्स होता था, और वो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे बात करेंगे तो जहाँ पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स नजर आएगा, तो उसी फोर्स को हम लोग नाम दे देंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बार दोबारा से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, ये मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग डिनोट करके रखते हैं एफ के साथ छोटा सा एम, यानी इट इज डिनोटेड बाय एफ, और F के नीचे सबस्क्रिप्ट में हम लोग डाल देंगे स्मॉल m। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हमें एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। तो देखिए, ये बोर्ड है हम लोगों का 2D, टू डायमेंशनल बोर्ड है, और हमें यहाँ पे फिगर जो बनाना है वो 3D फिगर बनाना है। देखिए, हमको तीन एक्सिस ड्रॉ करना है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे इस बोर्ड में तो हम दो एक्सिस बड़े आराम से दिखा सकते हैं, एक एक्सिस इधर, एक एक्सिस ऊपर की ओर, लेकिन तीसरा एक्सिस यहाँ पे हम कैसे शो करेंगे। देखो, तीसरा एक्सिस जो आएगा ये हम लोग का इसके परपेंडिकुलर आएगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर। तो ये देखो, ये हम लोग का रहा एक्स, वाई और ये रहा जेड एक्सिस। ठीक है, और ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। आप बड़े ध्यान से देखो, तो इस एक्सिस और इसके, ये दोनों के बीच एंगल आपको 90 डिग्री नजर आएगा, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। तो देखो, ये जो बोर्ड से बाहर आता है इस एक्सिस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की ओर। तो चलो, इस एक्सिस को मैं दिखा दिया इस ओर। ठीक, तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस, और इसको मान लेते हैं z एक्सिस। अब जो y एक्सिस रहता है, इस y एक्सिस में हम लोग दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो एक्सिस दिख रहा है ये है हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल q है, वो q चार्ज पार्टिकल इस स्पेस में चल रहा है v वेलोसिटी के साथ। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ चार्ज पार्टिकल, तो ये चार्ज पार्टिकल रहा Q, और ये चल रहा है v वेलोसिटी से इस ओर। ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ। अब मान लेते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर है। तो ये रहा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ ये एंगल बनाया है थीटा। तो अभी देखो, हम लोग 11th में ना एक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जब भी कोई वेक्टर किसी वेक्टर के साथ थीटा एंगल पर झुका हुआ रहता था तो दो कंपोनेंट में टूटता था। तो मैं आपको यहां पे एक रिकैप करवाता हूं। तो देखिए, यहां पे मान लीजिए कि ये फोर्स है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है हम लोग का और ये वाई एक्सिस है। अब फोर्स एफ जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल में झुका हुआ है, तो ये फोर्स दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। ये हम लोग 11th क्लास में देख चुके हैं क्या क्या होगा। एक तो हो जाएगा एफ कोस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो कोस थीटा किधर होगा,
तो जिस ओर थीटा एंगल दिखाई देगा उधर होता है एफ कोस थीटा, और जिधर थीटा एंगल नहीं दिखाई देगा उधर होगा हम लोग का एफ साइन थीटा। तो देखो हम लोग को यहाँ पे इस एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल दिखाई दे रहा है, तो इस ओर टूटेगा एफ कोस थीटा, और इसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में इसका दूसरा कंपोनेंट टूटेगा और उसका नाम पड़ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये हम लोग जान चुके हैं। तो देखो यहां पे कुछ केस ऐसे ही हैं, अभी ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है ना ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, वो आपको दिखा चुके थे। देखो एक्स एक्सिस कुछ यूं है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर है। अब ये जो कंपोनेंट भी है भी इस वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल में झुका हुआ है, तो ये जो भी है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, जिधर एंगल दिख रहा है थीटा उधर कोस थीटा के टर्म में, और जिधर एंगल थीटा नहीं दिख रहा है उधर साइन थीटा के टर्म में। तो देखो हम लोग को ऊपर की ओर दिख रहा है एंगल थीटा, तो इधर टूटेगा कोस थीटा के टर्म में, तो इधर तोड़ देते हैं, ये भी है तो ये टूट जाएगा भी कोस थीटा, ठीक है। और यही वेलोसिटी का जो दूसरा कंपोनेंट टूटेगा वो टूटेगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए थे, ये बाहर की ओर था और ये एक्सिस हम लोग यहाँ पे शो करके रखे हैं इधर एक्स की ओर, ठीक है। तो ये टूट जाएगा एक भी साइन थीटा, ठीक, ये एग्जैक्टली वही वाला हुआ जो हम लोग का यहाँ पे आया था इस केस में, ठीक है। देखो ये एफ था, ये फोर्स एफ, थीटा जिधर था उधर कोस थीटा के टर्म में टूट गया है, तो एफ कोस थीटा, जिधर थीटा नहीं था उधर एफ साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे थीटा था तो थीटा की ओर टूट गया है भी कोस थीटा, इधर थीटा नहीं था तो इधर टूट गया है भी साइन थीटा, ठीक है। तो इतना सारा चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो जो चीज यहाँ पे कंसिडर किए हैं ना उन सारी चीज को हमें लिखना भी है, तो हम क्या क्या लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक हम लोगों के पास चार्ज पार्टिकल है क्यू, वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों का बी। तो लिखते हैं इसको, लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए अभी तक हम क्या लिखे हैं, लेट ए चार्ज पार्टिकल क्यू, मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक चार्ज पार्टिकल क्यू है इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी, ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये कहाँ पे मूव कर रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यानी इस जगह पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कितना एंगल से मूव कर रहा है, थीटा एंगल से मूव कर रहा है, और ये थीटा एंगल किसके साथ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज, इस मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास जो फोर्स लगता है वो तीन चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंड ऑन, सबसे पहला
ठीक है। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है इस चार्ज पार्टिकल पर। अगर इस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल का वैल्यू कम रहेगा तो फोर्स भी कम लगेगा। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। तो इसको हम लोग सिंबल में लिख लेते हैं, ये रहा हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स का सिंबल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, तो ये हो गया चार्ज क्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। सेकेंड थिंग, ये जो मैग्नेटिक फोर्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है यहाँ पे वेलोसिटी का उस कंपोनेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है वो वाला कौन वाला है? तो देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ओर तो ये कंपोनेंट है वी कोस थीटा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कौन है? तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला है, और इस एक्सिस को हम लोग किधर दिखा कर रखे हैं? इस ओर, ठीक है। तो दूसरा जो है फैक्टर वो रहेगा हम लोग का वी साइन थीटा, यानी कि जो फोर्स रहेगा वो इस वी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये था, इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी साइन थीटा। तो हमें दिखेगा मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, ठीक है। एक और फैक्टर जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है वो है इस स्पेस का मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा रहेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम रहेगा। तो थर्ड फैक्टर भी लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, यानी कि ये रहा मैग्नेटिक फोर्स और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग को क्या करना है कि ये इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और ये इक्वेशन थ्री, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। तो चलो हम लोग ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। तो अब अगर हम ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ यूँ दिखाई देगा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू है तो इसको लिख लेना है क्यू, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी साइन थीटा तो इसको भी लिख लेना है वी साइन थीटा, और फिर ये बी दिख रहा था तो इसको बी को भी लिख लेना है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके ठीक से लिख लेते हैं। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बदले में एक कॉन्स्टेंट आएगा और उस कॉन्स्टेंट को हम लोग नाम दे देंगे की। तो यहाँ पे देखो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे हैं और बदले में एक कांस्टेंट ला रहे हैं के, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे क्यू भी बी साइन थीटा, और इस के को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रैक्टिकली इस के का वैल्यू पाया गया है वन होता है, तो हम लोग लिख देते हैं
कि k इक्वल टू 1, तो इस k का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो हमें क्या वैल्यू दिखाई देगा, तो हमें दिखाई देगा एफ एम इक्वल टू यानी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का फाइनल डेरिवेशन मैग्नेटिक फोर्स का। तो अब हम लोग ये जो हम लोग का फोर्स का फॉर्मूला आया है, इस फोर्स के फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं कि अगर यदि जो चार्ज पार्टिकल स्पेस में चल रहा था, अगर वो मान लेते हैं यूनिट हो तो, यानी एक कूलम का चार्ज हो, और जब वो चल रहा है तो उसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, तो क्या होगा? मीन्स देखो यहाँ पे, इफ क्यू इक्वल टू 1 यानी कि चार्ज जो है वो हमें यूनिट कूलम का दिखाई दे, वेलोसिटी यानी इस चार्ज का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी यूनिट रहे यानी 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चले, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल 90 डिग्री हो, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें क्या नजर आएगा? तो ये सारे चीज को हम लोग पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हमको दिखाई देगा, तो हम लोगों को वैल्यू दिखाई देगा ये एफ एम इक्वल टू क्यू का वैल्यू तो 1 हो चुका है, 1 पुट कर दिए, भी का वैल्यू वन हो चुका है तो भी को भी 1 पुट करेंगे, बी रहने देना है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो थीटा के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया साइन 90 डिग्री। तो देखिए आप लोग को साइन 90 का वैल्यू पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसके जगह पे आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिखाई देगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, ये बी इंटू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमें ये दिखा दिया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स अगर यदि हमको इस तरीके से केस मान करके डिफाइन करना रहा तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही होता है, लेकिन कब? जब एक कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चले और मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो चार्ज अगर 90 डिग्री का एंगल बना है तो उस केस में जो भी फोर्स आएगा उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। एक बार आप लोग दोबारा से सुनिए, तो इस फॉर्मूला से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो फोर्स के बराबर होता है, लेकिन कब? जब एक कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चले और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री में इंटर करे तो उस केस में जो भी हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स नजर आएगा वही मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो हम लोग यहां पे डिफाइन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को एक बार दोबारा से। मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो एक तो पहले हम लोग डिफाइन कर चुके थे ना कि किसी मैग्नेट के चारों ओर का उतना सा स्पेस जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता है या मैग्नेट अपना इफेक्ट को शो कर पाता है उस स्पेस को नाम दिए थे मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे इसके अनुसार से हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर दिख रहा है? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर दिख रहा है, लेकिन कब? जब एक कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चले और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री में इंटर करे। तो इसको लिखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज व्हेन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक
फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, तो एक यूनिट चार्ज के द्वारा जितना भी फोर्स लगे, जब वो चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट वेलोसिटी से, यानी एक मीटर पर सेकंड के स्पीड से जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, और ये मूव करना चाहिए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी परपेंडिकुलर मूव करें, तो उस टाइम जो भी फोर्स आएगा वही फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग इस फॉर्मूला से तीन अलग अलग केस देखते हैं। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा और मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कब मिनिमम होगा। तो अब हम लोग अलग अलग केस देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो केस नंबर वन, ये पहला केस है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहे या तो फिर 180 डिग्री रहे, यानी केस वन में वेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री रहे और 180 डिग्री रहे, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या दिखाई देगा, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन, देखो साइन के साथ थीटा था तो साइन के साथ हम वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा। अब देखो चाहे तो साइन 0 डिग्री पुट करो या साइन 180 डिग्री पुट करो, दोनों ही केस में वैल्यू 0 आता है, यानी कि साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दिए 0 या 180, तो ये पूरे टर्म हमें मिल जाएगा 0 के बराबर। तो पुट कर देते हैं एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी और ये आ गया हम लोगों का 0। ठीक है, तो 0 के साथ ये पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो देख लीजिए ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0 और 0 आ गया, मतलब ये मिनिमम, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स का, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो या तो फिर 180 डिग्री हो। केस नंबर टू, केस नंबर टू, जब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाए, तो मीन्स वेन भी इक्वल टू 0, अगर भी इक्वल टू 0 रहा, यानी कि वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का 0 रहा, तो अगर 0 रहा तो इस फॉर्मूला में आप पुट कर दिए तो भी का वैल्यू 0 होगा और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें आंसर 0 मिलेगा। मीन्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है अभी मुझे कोई पता नहीं है, बट वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी 0 है तो भी के जगह पे 0 पुट कर दीजिए। तो 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, 0 के साथ सारे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0। यानी कि हमें एक और केस दिखाई दिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, और वो कौन सा केस होता है, जब चार्ज का वेलोसिटी 0 रहे। तो ये भी वह केस है जब हम लोगों का मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम होता है। अब हम लोग अगला केस देखते हैं, जब थीटा यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री रहे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे, तो यानी केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या बोलता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू भी बी और ये साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हमें मिल गया एफ एम इक्वल टू क्यू भी बी और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, तो ये जो केस मिला ये हमें मिला मैग्नेटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज द केस फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।